मुझे वाइट सॉस से लदा हुआ है बर्गर। ये देखें वाइट सॉस, इनकी ये वाइट सॉस देखें। डेफिनेटली मैं जो उनकी जब ब्रांच में जाऊंगा वहां पे ट्राई करूंगा, वहां पे जाके मुझे पता चलेगा कि जो है क्या डिफरेंट, जो एक्चुअल चिकन फॉन्ड जो निकल के आ रही है वो कैसी लगती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के, खैरियत से भाई। चीप ईट्स पे मैं पहले भी वीडियो कर चुका हूँ और आज मुझे ऊबर पे मैं पहले कर चुका हूँ आपको, और आज मुझे अभी एक डील दिखी थी ऊबर ईट्स पे, तो मैंने सोचा कि आपको जो है वो अपने लिए भी ऑर्डर करते हैं और आपको रिव्यू भी दे देता हूँ इस रेस्टोरेंट की। जो ये पर्टिकुलर ब्रांच है उसका मैंने पहले नहीं खाया है, तो उसको ट्राई भी कर लेंगे और बर्गर का रिव्यू भी देते हैं। पहले रिव्यू वो पहले जो है ऊबर ईट्स का मैं देखते हैं किस तरह की डील है, क्या प्राइस है, और फिर जब वो आ जाता है मैं आपको और बता। सो दिस इज़ द ऐप ऑफ ऊबर ईट्स, आई सेलेक्टेड फ्रीडो चिकन एंड दैट्स वेयर यू कैन सी द डील, बाय वन गेट वन फ्री, देयर चिकन बर्गर फॉर 13.09 ordered, so I selected the spicy one, buy one get one free, and you can add anything extra or extra charges of course. Subtotal 16.88 because I added a piece of chicken as well, did the standard, and then you can add any type. Yeah, I have here yahan pe ye kya hai is tarah ka burger, acha isme box mein nahi diye na, abhi main jab aapko nikalunga usme jo hai na wrap karke is tarah ke unhone Uber mein jo aaya दूसरा ये आया है, और उसके साथ हमने एक चिकन मंगवाई थी, तो ये चिकन जो है आपको खोल के दिखा देता हूँ, ये चिकन है, एक चिकन जो है ना, ये चिकन, इनकी चिकन अच्छी होती है, लेकिन ये असल जो है मैं करूँगा आपको दिखाऊँगा बर्गर का रिव्यू, इनका बर्गर और उसके साथ सॉस भी आएंगे। देखें सॉस नज़र आ रही है मुझे, तो सॉस भी ज़रा इनकी ट्राई करेंगे आज। इस तरह मैंने आपको दिखाया कि बर्गर मेरे सामने आ गया, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। अच्छा, ये जो फ्रीटो चिकन है, ये इसकी जो चिकन है वो बहुत मशहूर है इनकी सेडल टाउन की जो ब्रांच है वहाँ की। मैंने बहुत अरसे पहले खाया था वहाँ से, क्योंकि मुझे अभी याद नहीं है, बहुत साल हो गए, तो काफ़ी मैंने इसकी तारीफ़ सुनी इनकी चिकन की सेडल टाउन ब्रांच की। वही ओनर है जिन्होंने सेम ब्रांच इन्होंने यहाँ पे साउथ ईस्ट में 130th F पे खोली है, तो वही ब्रांच। और जिस तरह मैंने आपको दिखाया डील वाइज, अच्छा एक चीज़ मैं जब बर्गर पर आएंगे तो देखेंगे इसकी क्वांटिटी कैसी है, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि आपको जब डील्स निकालते हैं वो थोड़ा सा ऊपर नीच कर देते हैं, सही है, ऊपर नीचे चीज़ें कर देते हैं, तो वो भी देख लेंगे। लेकिन ये मैं बता रहा था, हमने एक चिकन मंगवाई जो कि हमारी डॉटर के लिए, वो एक चिकन थी जो अंडर $4, और उसके अलावा जो बर्गर हमें पड़े हैं वो $13 and change के दो बर्गर्स आए हैं, चिकन बर्गर इनके, और जो टोटल बना है जो बिल था वो $20 and change था विदाउट एनी टिप्स। तो दो बर्गर और एक चिकन के लिए नॉट अ बैड डील। अब आ जाते हैं बर्गर पे, तो बर्गर खोलते हैं इनका और मैं आपको दिखाता हूँ इनके फ्रीडो 130th F साउथ ईस्ट का बर्गर। अच्छा, जैसे ही मैंने बर्गर खोला, पहले तो मुझे ये जो है ना, ये मायोनीज टाइप की, ये मायोनीज ही लग रही है मुझे, वाइट सॉस से लदा हुआ है बर्गर। ये देखें वाइट सॉस, इनकी ये वाइट सॉस देखिए, और उसके अगर मैं थोड़ा सा बर्गर ओपन करूं, बन पैटी जो है नॉर्मल पैटी जिस तरह होती है वो लग रही है, चिकन का पीस जो है, चिकन का पीस, ये देखें चिकन का पीस मुझे सही लग रहा है क्वांटिटी वाइज, कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोटा सा कोई पीस डाल दिया, तो वो चीज़ में सही लग रही है। उसके नीचे लेटस एंड और उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा, उसमें जो वाइट कलर का मखान से मायोनीस है, इनकी अपनी सॉस होगी, वो भरी हुई है। मुझे रहा नहीं जा रहा, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो ये इसका बिस्मिल्लाह करते हैं। फर्स्ट बाइट, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फर्स्ट बाइट में चिकन अच्छी है, बहुत ज़्यादा वो क्रंची नहीं है, मे भी थोड़ा सा टाइम, जब आप ऊबर ईट से मंगवाते हैं
तो ऑफकोर्स आपको वो बात नहीं रहती जो आपको गरम गरम ब्रांच में जो आपको मिले, ऑफकोर्स वो वाली बात। तो क्रंचीनेस की कमी है डेफिनेटली, जो क्रंची जो आप पहले ही बाइट में जो दबाते हैं ना जो आते हैं क्रंची, वो मिसिंग है। लेकिन टेस्ट वाइज ये बर्गर जो है इट्स वेरी यूनिक बिकॉज इनकी ये जो भी सॉस है मायो है टाइप की लग रही है मुझे उसकी। यहाँ एक और बाइट लेता हूँ मैं, प्रॉपर बाइट विद मायो के साथ। मायो जो है ना ये जो है इनकी ये लदी हुई है, तो बाइट लेता हूँ। नाइस बर्गर, नॉट बैड। एक दफा बहुत मैं पहले ट्राई किया था उसमें थोड़ा सा जूसीपन आ रहा था, चिकन मुझे थोड़ी सी ड्राई लग रही है, लेकिन फॉर द प्राइस आपको अपने पेट की पूजा करनी है, इट्स अ डिसेंट बर्गर स्टिल। खा सकते हैं, चिकन अभी ड्राई है लेकिन जो मायो डाला हुआ है उसको थोड़ा बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली मैं जो मैं उनकी जब ब्रांच में जाऊंगा वहाँ पे ट्राई करूँगा, वहाँ पे जाके मुझे पता चलेगा कि जो है क्या डिफरेंट, जो एक्चुअल चिकन फॉन्ड जो निकल के आ रही है वो कैसी लगती है। तो बड़ी इच्छा है जो आपको मिल जाए आपको बिस्मिल्लाह करके खा लेना चाहिए। मैं अपना कंटिन्यू करता हूँ, मैं एंड में आपको खाने के बाद इसको कंक्लूड करते हैं वीडियो। अच्छा, इस बर्गर के साथ आई है ये सॉस इनकी, मैंने दफ़ा ट्राई कर चुका हूँ, बड़े मज़े की थी। और या सॉस के साथ ट्राई करता हूँ, और ये कैचअप दिए, कैचअप को रहने देते हैं, थोड़ा सा सॉस डालते हैं और देखते हैं कि सॉस जो है बर्गर को का जो मज़ा है वो उठाती है कि नहीं। थोड़ी सी थोड़ा सा ना ऐड किया सॉस, सॉस के साथ। मैं देखना चाह रहा था कि सॉस है कैसी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है क्योंकि इनकी इन हाउस सॉस लग रही है, तो ये डालना तो अब बनती है प्रॉपरली। मैंने डाली, केचप की ज़रूरत नहीं है, मायो सॉस चिकन एंड लेटस, बिस्मिल्लाह। ज़बरदस्त, जो मायो मेरे हाथ पे लगा है ना और जो भरा हुआ है, इनकी खसूसियत मायो है इनके बर्गर्स में। मैं खा लूँ उसके बाद एंड में आप